आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपना योनो एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग घर बैठे अपने मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं मिनटों में। और अगर आपके पास योनो एसबीआई का अकाउंट है तो कैसे आप इंटरनेट बैंकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस वाले वीडियो में पूरा प्रोसेस में दिखाऊँगा, तो वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विदीप, स्वागत है आप सबका दीप्टेक यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो योनो एसबीआई पर अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हैं स्टार्ट, तो वो आप घर बैठे कर सकते हैं। और एक बात गाइज, अगर आप योनो एसबीआई का अकाउंट खोलना चाहते हैं, वो भी आप घर बैठे अकाउंट भी खोल सकते हैं, एसबीआई का अकाउंट घर बैठे। तो उसका भी अगर आपको जानना है कैसे खोलते हैं अकाउंट, तो आप नीचे कमेंट पे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा, पूरा प्रोसेस में दिखाऊँगा कैसे आप बिना ब्रांच विजिट किए एसबीआई का अकाउंट, आपका जो सेविंग अकाउंट वो खोल सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना दोस्तों, आपको योनो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर और न्यू टू एसबीआई। तो आपको एग्जिस्टिंग करना है क्योंकि आपका पहले से अकाउंट है। और फिर यहाँ पर आएगा सिलेक्ट सिम, तो यहाँ पर आपका जो भी सिम है उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा। फिर आपके सामने और एक पेज आएगा जहाँ पर लिखा होगा क्रिएट योर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पर आपको ना प्रोसेस पर क्लिक करना है। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद देखिए, अभी और एक पेज आएगा जहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर फॉर योनो विथ माय एटीएम कार्ड और रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। तो देखिए दो अलग अलग है। अगर आपको घर बैठे करना है तो आपको एटीएम चूज करना पड़ेगा, और अगर आप बैंक विजिट करके करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स के साथ जाना होगा। तो अकाउंट डिटेल्स के साथ देखिए, यहाँ पर यू 3-step प्रोसेस टू रजिस्टर ऑन योनो। आपको पहले सेट यूज़र आईडी करना पड़ेगा, फिर विजिट ब्रांच करना पड़ेगा, फिर आपका जो कि है योनो इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव होगा। तो उतना मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्टकट बताऊँगा कैसे घर बैठे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चूज़ कर रहा हूँ एटीएम। तो एटीएम चूज़ करने के बाद यहाँ पर देखिए अकाउंट डिटेल्स मांगा जाएगा, तो आपका अकाउंट नंबर जो है वो आपको डाल देना है। फिर यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको कर देना है नेक्स्ट। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप जब अपना डेट ऑफ बर्थ और अकाउंट नंबर डाल के नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने और एक पेज आएगा जहाँ पर आपसे ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। तो आपका जो फ़ोन नंबर जो भी बैंक के साथ लिंक है ना, उस पर आपका एक ओटीपी आएगा, ठीक है। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डाल देना है, जो कि 6 digit का एक ओटीपी आएगा। तो उसको आपको यहाँ पर डालना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए रिव्यू यूज़र डिटेल्स करके आएगा, जहाँ पर आपका नाम होगा, आपका CIF नंबर होगा, और फिर नीचे की साइड आप देख सकते हैं सिलेक्ट ट्रांजेक्शन राइट्स लिखा हुआ है, जहाँ पर व्यू है, लिमिटेड है और फुल है। तो आप फुल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि फुल पर आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो यू कैन डू ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप पूरा एकदम अपना अकाउंट का सब कुछ देख सकते हैं, डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो फुल पर आप सिलेक्ट कर लेना। फिर एटीएम कार्ड डिटेल्स मांगा जाएगा, जहाँ पर आपको 6 digit लास्ट का वो डालना है। तो आप अपना जो एटीएम कार्ड है उसका जो लास्ट डिजिट नंबर है, 6 last digit नंबर, वो डाल देना। फिर आपके पास और एक पेज आएगा, तो यूज़र नेम आपको डालना है, कोई भी आप यूज़र नेम रख लेना जो आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं इंटरनेट बैंकिंग के लिए। फिर एंटर पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है, आपको पासवर्ड बनाना है मतलब। फिर आप जब इसको भी कंफर्म कर देंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको सेट एमपिन करना है। एमपिन सेट करेंगे जिससे आप इस ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करते वक्त आपको एमपिन आएगा, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है, एमपिन डालना है। फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा, ठीक है, ओटीपी आएगा आपके फ़ोन नंबर पर, उसको आपको यहाँ पर डालना है। डालने के बाद वापस आपको नेक्स्ट करना है, और फिर आपका जो कि इंटरनेट बैंकिंग है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपका इंटरनेट बैंकिंग ओपन हो जाएगा, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और मैं मिलता हूँ और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।